दोस्तों, बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना को अपने पद से इस्तीफा देकर भारत में आए हुए एक हफ्ते से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन वहां की परिस्थितियां अभी भी सही रास्ते पर आने का नाम नहीं ले रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पहली बार खुलकर बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए आवाज उठाई गई। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा करीब सबसे लंबी दूरी की मिसाइल की तैनाती कर दी गई है, जिससे साउथ चाइना में माहौल एक बार फिर से खराब हो चुका है। तो चलिए डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी इस समय की टॉप खबरों के बारे में डिटेल में जानते हैं। पहले बात करेंगे बांग्लादेश की। जैसा कि आप नव भारत टाइम्स का आर्टिकल अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसके मुताबिक कई तरह के मुकदमे इस समय शेख हसीना के ऊपर बांग्लादेश में दायर किए गए हैं। बांग्लादेश की सत्ता हाथ से जाने के बाद पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। शेख हसीना भागकर भारत में आई थी, लेकिन अब उनके खिलाफ बांग्लादेश में मुकदमों की झड़ी लगा दी गई है। आज की इस वीडियो में भारत और बांग्लादेश से जुड़ी कुछ ऐसी खबरों को बताने वाले हैं जो कि भारत के नजरिए से बेहद ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। शायद आपको ना मालूम हो कि भारत के साथ बांग्लादेश की प्रत्यारोपण संधि है, यानी कि एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी दोनों देशों के बीच में 28 जनवरी 2013 को साइन हुई थी और अक्टूबर 2023 से इसे लागू कर दिया गया था। यह समझौता दोनों देशों के बीच में 11 सालों के लिए हुआ था, यानी कि यह ट्रीटी अभी भी वैलिड है और 2025 तक चलने वाली है। इस समझौते के तहत दोनों देश एक दूसरे के कानून का सम्मान करेंगे और क्रिमिनल जो एक दूसरे के देश के हैं, अगर भागकर भारत में आ गए हैं तो भारत को बांग्लादेश को सौंपना पड़ेगा और इसी तरह से बांग्लादेश को भी करना होगा। यहां पर दिलचस्प बात यह है कि 2009 में प्रधानमंत्री बनने के बाद शेख हसीना की सरकार के दौरान ही 2013 में यह संधि भारत और बांग्लादेश के बीच साइन हुई थी और अब यह संधि खुद शेख हसीना के लिए मुसीबत बन सकती है। हालांकि शेख हसीना के ऊपर लगे यह मुकदमे भारत के लिए भी टेंशन है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पर कानूनी दबाव बुधवार को और बढ़ गया, क्योंकि उनके और अन्य आवामी लीग सरकार के नेताओं के खिलाफ नए केस दर्ज किए गए। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायाधिकरण में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना आवामी लीग के महासचिव, पूर्व गृह मंत्री समेत अन्य के खिलाफ नरसंहार और मानवता के खिलाफ अपराधों के आरोप में जांच की मांग की गई है। शेख हसीना के खिलाफ दो दिन में दो केस दर्ज किए गए हैं। हत्या से जुड़े मामले में शेख हसीना के साथ साथ उनकी पार्टी आवामी लीग के 6 नेताओं को भी आरोपी बना गया है। 19 जुलाई को ढाका के मोहम्मदपुर इलाके में किराने की दुकान चलाने वाले अब्बू सईद की हत्या हो गई थी। उसकी हत्या छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुई थी। एक के बाद एक केस दर्ज होने के बाद अब सिर्फ शेख हसीना ही नहीं बल्कि भारत के लिए भी बड़ी मुश्किल पैदा हो गई है। 5 अगस्त को इस्तीफा देने के बाद से ही शेख हसीना भारत में है। हालांकि शेख हसीना ने अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और फिनलैंड जैसे देशों से संपर्क किया था कि उन्हें अपने देश में पनाह दी जाए, लेकिन इनमें से कोई भी देश अभी तक माना नहीं है, जिस वजह से शेख हसीना अभी भी भारत में ही मौजूद है। माना जा रहा है कि शेख हसीना बहुत ज्यादा लंबे समय तक भारत में नहीं रह सकेंगी, क्योंकि अगर वह रुकती है तो उनके प्रत्यर्पण की मांग तेज हो सकती है। वह एक ऐसे देश में जा सकती है जहां उनके प्रत्यर्पण की गुंजाइश कम हो या फिर ना के बराबर हो। दोनों देशों के बीच हुई संधि में प्रावधान है कि अगर किसी व्यक्ति ने ऐसा अपराध किया है जिसमें कम से कम 1 साल की सजा का प्रावधान है तो उसे प्रत्यर्पित किया जाएगा। संधि में लिखा हुआ है कि अगर किसी व्यक्ति ने राजनैतिक स्वरूप का कोई अपराध किया है तो उसके प्रत्यर्पण से इनकार भी किया जा सकता है। हालांकि हत्या, नरसंहार और अपहरण जैसे अपराधों में शामिल व्यक्ति को प्रत्यर्पण करने से इनकार नहीं किया जा सकता। आपको बता दें कि इसी संधि के तहत भारत लंबे समय से ढाका की जेल में बंद अनूप चेतिया की प्रत्यर्पण की मांग कर रहा था। अनूप चेतिया असम के अलगावादी संगठन उल्फा का नेता था। 1997 में उसे बिना वैध दस्तावेजों के बांग्लादेश में घुसने पर गिरफ्तार किया गया था। 2013 में प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर होने के बाद नवंबर 2015 में अनूप चेतिया को भारत को सौंप दिया गया था। वहीं लगातार यूनुस की पार्टी के लोग भारत से मांग कर रहे हैं कि भारत को शेख हसीना को वापस लौटा देना चाहिए। इससे भारत के ऊपर दबाव आने वाले समय में बढ़ जाएगा। वहीं पर दोस्तों, आज भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले से बांग्लादेशी हिंदुओं की आवाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बांग्लादेश को साफ शब्दों में कहा गया
कि अल्पसंख्यकों और हिंदू समुदाय के ऊपर जिस तरह से हमला बांग्लादेश के अंदर हो रहा है उसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसको बांग्लादेश को तुरंत रोकना होगा और भारत की 140 करोड़ लोगों की भावनाएं उन हिंदुओं से जुड़ी हुई हैं जो कि यह जुल्म देख रहे हैं। इस समय न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में बांग्लादेशी हिंदुओं की प्रोटेक्शन के लिए राइट्स हो रहे हैं। इजराइल, अमेरिका, यूनाइटेड नेशन, भारत, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन देशों में भारी प्रदर्शन भी दर्ज किए गए। इस समय बांग्लादेशी सरकार के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय तौर पर काफी ज्यादा प्रेशर बिल्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी भी बांग्लादेशी हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के ऊपर जो बाइडेन की तरफ से कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आई है, ऐसे में उनकी चुप्पी के ऊपर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। दोस्तों, जब से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है तब से भारत और बांग्लादेश के रिश्ते में भी दरार आना शुरू हो गई है, क्योंकि बांग्लादेश में मौजूद हिंदू और अल्पसंख्यकों पर कट्टरपंथियों और जिहादियों के द्वारा अत्याचार किया जा रहा है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों ने एकजुट होकर बांग्लादेश में बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन किया, जिससे कुछ हद तक बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के लीडर मोहम्मद यूनुस झुकने पर मजबूर हुए हैं और उन्होंने हिंदुओं के बचाव को लेकर सभी विद्यार्थियों से अपील की है। लेकिन एक तरफ जहां भारत बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए जरूरी कदम उठा रहा है, वहीं दूसरी तरफ खबर निकलकर आ रही है कि चीन और अमेरिका जैसे देश इन हालातों का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। और यह रिपोर्ट हाल ही में निकलकर आ रही है जिसमें दावा किया जा रहा है कि अमेरिका भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में मिलिट्री बेस बनाने को लेकर अपनी भरपूर कोशिश कर रहा है और चीन की नजरें भारत के पड़ोस में मौजूद बांग्लादेश के गहरे समुद्री बंदरगाह पर टिकी हुई है, जिसे वह अपने कब्जे में लेना चाहता है। और यह भारत के लिए बेहद ही चिंता की बात है कि भारत के पड़ोसी देश, जिसकी लगभग 4096 किलोमीटर की जमीनी सीमा भारत से लगी हुई है, उस देश में चीन और अमेरिका अपनी दखल देने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि चीन ने बांग्लादेश में बुनियादी ढांचे और डिफेंस हार्डवेयर में पिछले कुछ सालों में भारी इन्वेस्टमेंट किया है, जिसके कारण चीन न सिर्फ बांग्लादेश के बंदरगाह को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रहा है, बल्कि बांग्लादेश के साथ भारत के व्यापारिक रिश्ते को तोड़कर खुद के साथ शिफ्ट करने की होड़ में पिछले कई सालों से जुटा हुआ है। बाकी आपको क्या लगता है, भारत और बांग्लादेश के बीच आगे क्या होने वाला है, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें।